प्रदेश के इन जिलों में आने वाले 3 दिनों में बारिश की संभावनाओं के बीच चेतावनी जारी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में आज से मौसम में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में भी कई जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिली है। मॉनसून अपने अंतिम चरण में एक बार फिर से प्रदेश में प्रभावी होता नजर आ रहा है। मॉनसून के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। 14 सितंबर से 19 सितंबर तक प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि आज दक्षिण मध्य बिहार, जिसके अंतर्गत पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद, इसके अलावे दक्षिण पूर्व बिहार, जिसके अंतर्गत भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, शेखपुरा और लखीसराय जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाओं के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 सितंबर को गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर मौसम विभाग ने यहाँ भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 16 सितंबर को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद 19 सितंबर तक कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम में बदलाव की कोई खास संभावना नहीं है। हालांकि आज राजधानी पटना में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। आज से आने वाले 17 सितंबर तक अच्छी वर्षा प्रदेश में कई जगहों पर हो सकती है। इस दौरान बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है, लेकिन 17 सितंबर के बाद मॉनसून की सक्रियता में कमी आएगी। तापमान में गिरावट और बारिश की संभावनाओं के बीच लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। प्रदेश में मौसम पर नजर डालने के बाद चलिए अब जानते हैं पूरे देश के मौसम का मिजाज। तो आज उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश संभव है। मिजोरम, त्रिपुरा, गंगेय पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, कोंकण और गोवा तथा तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है।